तीन हफ्ते पहले मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसके फौरी बाद इंडियन गवर्नमेंट ने दो ऐसे कानून पार्लियामेंट में पेश किए जिसमें एक ही दिन में जिसको अमल में लाया गया बिना कोई डिबेट के फौरी ही बाद एक कानून जो इतना कड़ा सा कड़ा कानून है उसको एक ही दिन के डिबेट में अमल में लाया गया, जो यूएपीए एक्ट, अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और उसी के साथ एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ये दोनों एक ही दिन के डिस्कशन में पार्लियामेंट में अमल में लाया गया और पार्लियामेंट ने यूएपीए एक्ट 1967 कानून को इसके अंदर तश्कील में लाया गया। 2004, 2008 और 2012 इसको और खतरनाक से और खतरनाक कर दिया गया। यूएपीए कानून के तहत किसी भी शख्स को बेल नहीं मिल सकती और यूएपीए कानून जो इंसानी हुकूक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तक के उसके ड्राफ्टिंग के लिए भी अवाम को बेदार नहीं किया गया और यहाँ तक के इंडियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके बारे में खबर होनी नहीं थी। एक ही दिन के डिस्कशन में यूएपीए को पास कर दिया गया और जो पहले की गवर्नमेंट थी उसने इसलिए इसको रिप्लेस किया था कि इसके अंदर ह्यूमन राइट्स लोगों के इंसानी हुकूक के खिलाफ ये कानून हो रहा था, इसलिए पहले की जो गवर्नमेंट थी इसको बर्खास्त करके फिर से नया कानून बनाया। जब 2004 में बहुत सारे लोग यूएपीए के तहत